आहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। बीते दिनों लूलू मॉल के बाद अब चारबाग स्टेशन पर नमाज पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जबकि सार्वजनिक स्थान पर किसी भी तरह की धार्मिक प्रार्थना करने की अनुमति नहीं है। वह इस पूरे मामले को लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी जीआरपी पुलिस से मुलाकात करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि स्टेशन पर बनी मजार अवैध रूप से बनी हुई है और जमीन को मुक्त कराने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो आपको बताते चले कि लूलू मॉल के बाद अब चारबाग स्टेशन पर नमाज करने का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। बीते दिनों लखनऊ के लूलू मॉल में नमाज पढ़ी गई और इनके कार्यकर्ताओं ने तमाम विद्रोह किया और कल तक अल्टीमेटम दिया गया है प्रशासन को कि अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो आगे की कार्रवाई होगी। इसी सारे विषय में हमसे बात करने के लिए शिशिर जी मौजूद हैं यहाँ पर। शिशिर जी, आपसे बात करेंगे सबसे पहले कि कल क्या बात हुई थी लूलू मॉल में, जो नमाजें पढ़ी गई हैं उसको लेकर क्या प्रशासन से क्या कुछ बात हुई? देखिए, जो नमाज पढ़ी गई उसको लेकर के विरोध स्वरूप मैंने प्रार्थना पत्र गोल सिटी थाने में दिया था। उसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई के लिए बढ़ता, उससे पहले इन्होंने दूसरे फिर नमाज पढ़ी, तो उसके बाद ये हुआ कि प्रशासन के लोगों ने उनको बुलाया, उनसे पूछा ये कौन लोग हैं, तो उन्होंने कहा हमारे लोग नहीं हैं, पति कहाँ से आए थे, तो उन्होंने कहा तो आप भी प्रार्थना पत्र दीजिए उनके खिलाफ़। तो बॉल ने अपनी एप्लीकेशन दी और उनके ऊपर FIR दर्ज हुई। अब हमने ऐलान किया था कि अगर इनको नहीं पकड़ा जाता है तो हम सुंदरकांड करेंगे, तो प्रशासन लगातार मेरे संपर्क में था, उसने हमसे वार्ता की, तो हमने कुछ शर्तें रखी कि ऐसा है कि लूलू मॉल का जो प्रशासन है वो हमारे पास आए, उसकी उसको अपनी बात को उस अपना गुनाह स्वीकार करे, और उसके साथ जो लिस्ट है जो हमने लव जिहाद वाला आरोप लगाया था, तो जो कर्मचारियों की लिस्ट है वो लेके आइए आप, और जो एक पोस्टर वहाँ लगाइए कि यहाँ पर पूजा पाठ या नमाज इसलिए पूरी तरीके प्रतिबंधित है, यहाँ ख़रीदारी के लिए आइए, मौज मस्ती कीजिए, सैर सपाटा कीजिए और अपने घर को जाइए। तो ये जो बातें थी हमारी उसको लेकर के प्रशासन ने लूलू मॉल को लेकर कल यहाँ पर आए थे आवास पर हमारे, और यहाँ पर आने के बाद उनसे हमारी वार्ता हुई, मुझे पूरी तरीके आश्वस्त किया उन्होंने, और उसके बाद हमने कहा कि ठीक है हम जो सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं उसको हम स्थगित कर रहे हैं, ये और आपसे 2-4 दिन के अंदर आप जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कीजिए जिन्होंने उत्तर प्रदेश के सरकार के नियमों की धज्जियाँ उड़ाई, क्योंकि योगी सरकार लगातार कहती आ रही है कि सार्वजनिक स्थल पर पूजा पाठ नमाज कुछ भी नहीं होगा। तो इस बात को लेकर के हम लोग आगे बढ़े थे और अब वेट कर रहे हैं कि जो गिरफ्तारियाँ हो जाए तब फिर बात आगे बढ़ेगी। शिशिर जी, आपने विरोध किया, तमाम जगह सोशल मीडिया पर ये वीडियोस वायरल हुई, उसके बाद लूलू प्रशासन ने एक नोटिस बोर्ड चस्पा किया है वहाँ पर कि इस एरिया में नमाज पढ़ना या फिर किसी भी धार्मिक कृत्य को करना पूरी तरह से मना है, और वहीं योगी जी का कहना है कि आप किसी भी जगह पर सार्वजनिक स्थान पर किसी भी तरीके की धार्मिक जो कृत्य है वो नहीं कर सकते, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि लगातार जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ जी ने और उनके ACS होम अवनीश अवस्थी जी ने, उप मुख्यमंत्रियों ने, सभी ने ये बात कह रखी है भाई अस्पताल में आप नमाज ना पढ़िए, क्योंकि अस्पताल जो है इलाज के लिए, स्कूल वहाँ शिक्षा के लिए, सड़क चलने के लिए, पार्क टहलने के लिए, इसी प्रकार से रेलवे स्टेशन वहाँ जो यात्री आते हैं उनके लिए, तो सार्वजनिक स्थल आपको पास ना करना, अपनी मस्जिदों में पढ़िए, अपने घर के अंदर पढ़िए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, और ये समानता के आधार पर सभी धर्मों के लिए लागू होना चाहिए, क्योंकि जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसी भी धर्म की उपासना से किसी दूसरे समुदाय को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो व्यवस्थित अपने आप को खुद करे, देश के कानून के सम्मत वो कार्य करे, इस बात को नहीं करते तो हम लोग जैसे संगठन को मजबूरन आगे बढ़ना पड़ता है। शिशिर जी, अभी आपने एक आरोप लगाया था कि 80% लूलू मॉल में ये लोग हैं, 20% वो लोग हैं, इसमें कितनी सत्यता है? हमारी प्रशासन ने जो एप्लीकेशन दी हमने उसकी वो जांच कर रहे हैं, उस जांच में तथ्य आएंगे सामने, क्या सही है क्या गलत है। आरोप लगाना तो हमारा अधिकार है ना, अगर मेरे पास कोई सूचना आई, मैं नेशनल लीडर हूँ
तो मैं उसकी जांच करवाऊंगा ना, तो हमने जांच करवाई उसको, इसमें कौन सी गलत बात है। अब प्रशासन उसकी जांच कर रहा है, उनसे लिस्ट मांगी गई थी, कल लिस्ट लेके आए थे 1000 कर्मचारियों की। तो ये बात हुई कि इस लिस्ट को कैसे पढ़ा जाए, आप पूरे जाए, आप खुद जाँच कीजिए। तो अब वो जाँच कर रहे हैं अपनी। कल आपने जो सुंदरकांड का जो कार्यक्रम था, जो सुंदरकांड आपका पाठ पढ़ने वाले थे, आपने स्थगित कर दिया। प्रशासन ने आपसे अपील करी, लुलु प्रशासन ने आपसे अपील करी, उसके बाद भी 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है लुलु मॉल के बाहर। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, प्रशासन योगी जी का बहुत बेहतर कार्य कर रहा है, और चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी को भी को देश का कानून को तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। समानता के आधार पर उन्होंने कार्रवाई की है, और जो लोग वहाँ गए वो उन अपने हिंदू भाइयों से भी मेरा कह रहा है कि सार्वजनिक स्थल पर पूजा पाठ बंद करें आप, जो है कानून सम्मत कार्य कीजिए। ठीक इसी प्रकार मुस्लिम भाइयों से भी मेरा कहना है। तो जो प्रशासन ने कार्रवाई की, जो नमाज पढ़ने गए थे उनको अरेस्ट किया, जो हिंदू पक्ष के लोग गए थे उनको भी उन्हें अरेस्ट किया। तो समानता के आधार पर कार्रवाई की उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार, और स्थानीय वहाँ अधिकारी राजेश श्रीवास्तव जी जो ADCP है, जो पूरे मामले को देख रहे हैं, बहुत ही अच्छे योग्य अधिकारी है, वो अपने हिसाब से बहुत अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं। शिशिर जी, ये बताइए, गंगा जमुनी तहजीब मानी जाती है उत्तर प्रदेश की, क्या लगता है कि इन सब कृतियों को देखते हुए कि इस तहजीब पर कुछ हल्का वुल्का लांछन या सवालिया निशान पैदा हो रहे हैं? देखिए, कौन सी गंगा जमुना तहजीब, आप बताइए, एक धर्म के लोग करौली में मस्जिद से बम और गोली चला रहे हैं, कश्मीर में बुरका पहन के बम और पत्थर चला रहे हैं। ठीक है, बुरका का गलत इस्तेमाल, मस्जिद का गलत इस्तेमाल, मदरसे में, मजार के अंदर, अभी आपने देखा अजमेर दरगाह के अंदर क्या हुआ, वहाँ से अपील की जा रही है हिंदुओं से कि दुकानों से सामान मत खरीदो। तो ये कौन सी गंगा जमुना तहजीब का ये लोग बात कर रहे हैं? धर्म के आधार पर देश को बंटवा लिया, और उसके बाद भी आज भी वही कृत्य पर जारी किए हुए हैं। नुपुर शर्मा ने कोई बयान दिया, उससे पहले तस्लीम रहमानी ने बयान दिया, उन पर कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि नुपुर शर्मा माफ़ी मांगे और तस्लीम रहमानी की बात नहीं करेंगे। तो ये दोहरा जो चरित्र है ये देश देख रहा है, और नुपुर शर्मा ने माफ़ी मांगी उसके बाद भी उसको नहीं क्षमा कर रहे, गर्दन काटने की मांग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गर्दन काटेंगे, कई गर्दनें काटी गई। तो कौन सा भाईचारा, कौन सा गंगा जमुना तहजीब? तो मेरा कहना है, कुछ अच्छे लोग हर धर्म में होते हैं, कुछ बुरे लोग हर धर्म में होते हैं, लेकिन यहाँ तो दिक्कत ये है कि जो बुरा काम कर रहे हैं उसको उनके धर्म वाले उसके खिलाफ अपील भी नहीं करते हैं, उसके लिए बात भी नहीं। टीवी चैनलों पे आएंगे तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन असलियत कुछ और है। जब धार्मिक स्थल पर ये भीड़ के रूप में इकट्ठित होते हैं तो भीड़ के साथ निकलते हैं जुम्मे के दिन, और वहाँ पर बम गोली पथराव, दुकान कब्जा करना, हिंदुओं की संपत्तियों को जलाना, देश की संपत्ति को जलाना, तो ये कौन सा भाईचारा है? तो कड़ी कार्रवाई ही एक इसका विकल्प है। पहली घटना जैसे कल लुलु मॉल में घटी थी परसों, अगर पहली कार्रवाई हो जाती तो दूसरी घटना ना होती। हिंदूवादी संगठनों को मजबूर होकर ऐलान करना पड़ा हम सुंदरकांड करेंगे, तो प्रशासन जागा और कड़ी कार्रवाई के लिए आगे बढ़ा। अभी स्टेशन पर भी एक वीडियो वायरल हुआ हो रहा है, आप शायद उसी विकल्प उसी को लेकर आप आज GRP के अधिकारियों से मिलने जा रहे हैं, क्या कुछ वो वीडियो में कितनी सतर्कता लग रही है आपको? देखिए, मजार जिहाद स्टेशन पे, लखनऊ स्टेशन पे बहुत बड़ी मजार अवैध रूप से बनी हुई है, खम्बन पीर की मजार जिसको कहा जाता है, वहाँ पर अवैध रूप से घुसपैठिए बांग्लादेशी लोगों को वहाँ शरण दी जाती है। स्टेशन पे बिना टिकट प्लेटफॉर्म टिकट लिए वो लोग घुसते हैं, और वहाँ पर चाय बिकवाना, बन मक्खन समोसा ये सब बिकवाने के सारे कामों को बांग्लादेशी कर रहे हैं। अवैध रूप से ऑटो स्टैंड कब्जा कर रखा है, टैक्सी स्टैंड कब्जा कर रखा है। तो मजार की आवाज़ में बहुत से गलत कार्य हो रहे हैं। पूर्व में वहाँ के जो कर्ता धरता हैं वो गाड़ी चोरी में भी जेल जा चुके हैं। तो ऐसे कृत्यों को रोकने के लिए मजार जिहाद, स्टेशन पे नमाज जिहाद, इसके खिलाफ हम आज प्रार्थना पत्र वहाँ के जो ACP है संजीव सिन्हा जी, उनको आज मैं ज्ञापन दूंगा और जा रहा हूँ, उनसे वार्ता करूंगा। आज से 1 बजे करीब वहाँ मैं पहुँच जाऊँगा और अपनी बात को वहाँ रखूँगा आप लोगों के साथ।
शिशिर जी, आखिरी सवाल ये था कि आप लोग की महासभा की एक मांगे थी कि जो लुलु मॉल में जो भी कृत्य किया गया उसके बिहाव पे अगर गिरफ्तारियां नहीं होती हैं तो फिर आप लोग की महासभा का अगला विकल्प क्या होगा? हमने सुंदरकांड का पाठ जो है वो स्थगित किया है, निरस्त नहीं किया है। हमारी ये मांग है कि एक हफ्ते के अंदर इनको दोषियों को पकड़ा जाए और उन पर कार्रवाई हो जाए जिससे आगे और घटनाएं ना बढ़ें। तो एक हफ्ते का समय अभी हम बाकी है, तो उसमें हम लोग इंतज़ार करेंगे। और हमारा ये मकसद नहीं है कि कानून को अपने हाथ में लिया जाए, कानून सम्मत हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और संविधान पे हम लोग का पूरा भरोसा है। देखते हैं आगे क्या होता है, योगी जी की सरकार क्या कड़ी कार्रवाई करती है इसमें। बाबा जी का बुलडोजर को मैं देखना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ अवैध ये धार्मिक स्थल है इन पर क्या करते, क्या कार्रवाइयाँ करते हैं, ये सब देखा जाएगा आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें कानून से पूरी उम्मीद है और योगी सरकार से पूरी तरह से वो उम्मीद है और कानून को वो साथ में लेकर चलेंगे। कैमरामैन शुभम के साथ सागर थापा, प्राइम टीवी, लखनऊ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।